तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम खेलने वाले हैं क्रिमिनल केस। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक हमारा केस। तो ये देखो, ये रे विक्टिम बॉडी, जो लड़की की डेड बॉडी है, और हमें यहाँ से हमें क्लूज वगैरह ढूंढने हैं। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। लेट्स गो, रेडी। तो हमें 6 आइटम फाइंड करनी है। सबसे पहली है न्यूज़पेपर, दूसरी है ट्राईसाइकिल। अच्छा, अगर हमें हिंट वगैरह चाहिए तो हम यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। तो हमें एक कार ढूंढनी है, लाइफ डेड बॉडी। तो डेड बॉडी तो हमें मिल चुकी है, यही जो लड़की है जो मर चुकी है। हमें ढूंढनी है कार, सिगरेट और नाइफ। तो नाइफ हमें मिल चुकी है, जिससे उस लड़की को मारा गया है गाइस। तो उसका लड़की का नाम है रोजा वुल्फ, और हमें ऑटोस्पी के लिए भेजना पड़ेगा। तो हमें फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में हमें मिला एक बॉडी, और जिससे उस लड़की को मारा गया वो वाली नाइफ। तो लेट्स गो। तो ये हमारा टैब है, तो ऑटोप्सी स्टार्ट कर देते। तो ये देखो, ऑटोप्सी इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर लिखा है कि उसका गला काटा गया है, और जिसने भी इसे मारा है वो राइट हैंडेड है। तो ये जो नेथन है, ऑटोप्सी इसने की हुई है। तो इसका ऐसा कहना है कि उसका गला काट के उसको मारा गया, और वो जिसने भी मारा है वो राइट हैंडेड है। ओके, तो इन्होंने भी एक छोटा सा क्लू हमें दे दिया है। जिसने भी मारा है उसने ब्लू कलर की कैप पहनी हुई है, और राइट हैंडेड है वो। तो दो हमें क्लू मिला है किलर का। तो हमें और एविडेंस हमें फाइंड करने होंगे ट्रैक हाउस में जाकर। तो लेट्स गो। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस पुलिस के साथ ट्रैक हाउस में इन्वेस्टिगेट करने के। लेट्स गो। तो हमें 6 आइटम ढूंढनी है। सबसे पहला है वाटरमेलन, वाटरमेलन ये रहा सामने। ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल भी रही है। टायर, ये रहा टायर। मेल बॉक्स, ये रहा मेल बॉक्स। ब्लू फैब्रिक, ये रहा, हाँ ब्लू फैब्रिक, ओके। वाटर कैन ये रहा। ओके, अभी हम इसे एग्जामिन करेंगे तो पता चलेगा हमें और। ओके, तो शायद से मतलब जिसने भी मारा था ना, तो उसने क्या किया था, कार्ड बीट के रखे। ओके, तो ये फुटबॉल जर्सी है, और नंबर 9 वाली जर्सी है। ओके, तो हमारे जोनस को पता चल गया है कि कौन है वो किलर। एक तो राइट हैंडेड है वो बंदा, दूसरा उसके पास है ब्लू कलर की कैप, और थर्ड फुटबॉल जर्सी है नंबर 9। तो ये हमारा फर्स्ट सस्पेक्ट था, जिसके जो राइट हैंडेड भी है, उसके पास ब्लू कलर की कैप भी है, लेकिन उसके पास जर्सी नहीं है। ओके, तो लेट्स हैव लुक एट द सेकंड सस्पेक्ट। ओके, तो ये रहा हमारा किलर, क्योंकि ये राइट हैंडेड भी है, उसके पास ब्लू कलर की कैप भी है, और इसके पास फुटबॉल जर्सी भी है जो 9 नंबर की है। वो अंडर अरेस्ट। ओके, तो अब हमें फाइनल अरेस्ट किसे करना है। तो ये जो बंदा है, इसका तो दो ही चीज मैच हो रही है, एक तो राइट हैंडेड है और ब्लू कलर की कैप है, लेकिन जर्सी उसके पास नहीं है। और ये वाले बंदे के पास तो मतलब पूरा प्रॉपर ही हमारा सारा चीज मैच हो रहा है। तो हम इसे ही अरेस्ट करेंगे, क्योंकि ये रहा किलर, राइट हैंडेड है, उसके पास ब्लू कलर की कैप है, और 9 वाली जर्सी है। गिल्टी। तो हमारा गाइस फाइनली हमारा पहला केस कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हमने कर दिया है सॉल्व।